टर पिता शुक्ला वेलकम टू हम लिमिटेशन एक्ट की 50 को करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं फर्स्ट तो है, का बी सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री विद एक्सपायरी ऑफ प्रसाइब सी करेक्ट है सेक्शन फोर देखेंगे इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू से टाइम रिक्वजाइड अफ द अर्ड शल बी एक्सक्लूडेड अंडर ए सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन वन बी सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन फोर सी सेक्शन टू डी सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री तो इसका आंसर बी करेक्ट है फोर्थ देखेंगे सेक्शन ट्वेंटी एक्ट नाइन सिक्सटी थ्री डी विद जो से हमारा डील करता है of ismin, ismin by prescription. तो फोर्थ का ए करेक्ट है फिफ्थ देखेंगे डेफिनेशन आर प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो हमारी डेफिनेशन है सेक्शन टू में प्रोवाइड की गई है तो फिफ्थ का डी करेक्ट है सेक्शन सिक्स ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोवाइड्स जो हमारा सेक्शन सिक्स है वो लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है तो सिक्स का ऑप्शन ए करेक्ट है सेवन देखेंगे वॉट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ए फाइव ईयर बी थ्री ईयर सी टेन ईयर डी ट्वेल्व ईयर तो इसका आंसर बी है ब्री ईयर्स एट देखेंगे सेक्शन एटीन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री डील विद ए कॉम्पिटेशन ऑफ कॉम्पिटेशन ऑफ टाइम मैंशन इन इंस्ट्रूमेंट बी एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस सी कॉन्टीन्यूस रनिंग ऑफ टाइम डी इफेक्ट ऑफ एक् इन राइटिंग तो इसका आंसर डी करेक्ट है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग नाइन देखेंगे विथ सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री डी विद एक्सटिंग ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी जो हम एक्सटिंगशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी है ये सेक्शन ट्वेंटी सेवन ऑफ लिमिटेशन एक्ट में है तो इसका नाइन्थ का बी करेक्ट है टेंथ देखेंगे सेक्शन फोर्टीन ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील्स विद ए इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक बी एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस सी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट ऑफ विदाउट जो डी इफेक्ट ऑफ एक् इन राइटिंग तो इसका सी करेक्ट है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जोरिस्ट्रिक्शन इलेवन देखेंगे वॉट इज द लिमिटेशन पीरियड इन अ सूट बाई अ लैंड लॉड टू रिकवर पोजिशन फ्रॉम अ टेनेंट आफ्टर द डेट द टेनेंसी इज डिटरमाइंड ए वन ईयर बी टू ईयर सी सिक्स ईयर डी ट्वेल्व ईयर तो इसका आंसर डी है ट्वेल्व ईयर्स ट्वेल्व देखेंगे द लिमिटेशन पीरियड इन अटूट बाई अ श्योरिटी अगेंस्ट कोर श्योरिटी वैन द श्योरिटी पेज एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ हिज ओन शेयर इज ए टू ईयर बी ब्री ईयर सी फाइव ईयर डी ट्वेल्व ईयर तो इसका आंसर बी करेक्ट है थ्री ईयर थर्टीन देखेंगे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ सूट ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्जीक्यूशन इज ए वन ईयर बी टू ईयर थ्री सी थ्री ईयर डी फाइव ईयर तो इसका आंसर सी है थ्री ईयर फोर्टीन देखेंगे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड अ सेल ऑन एक्जिक्यूशन ऑफ डिक्री इज ए वन ट्वेंटी डेज बी नाइन डेज सी नाइनटी डेज सिक्स डेज डी थर्टी डेज तो इसका आंसर डी करेक्ट है थर्टी डेजीन देखेंगे वॉट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट ए थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट वन द नोटिस इज गिवन बी थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट द डिमांड फॉर रेंट इज मेड सी थ्री द एरियर बिकम ड्यू डी नन ऑफ द अब इसका आंसर है सी थ्री इय फ्रॉम द डेट ऑफ द एरियर्स बिकम ड्यू सिक्स देखेंगे विच इज ट्रू ऑफ द एक्नोलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑप्शन ए कैन बी मेड टू अ पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी बी हैज टू बी मेड टू द पर्सन कंसन क्रेडिटर ऑप्शन सी कैन बी द मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड डी हैज टू प्रॉमिस टू पे तो इसका आंसर ए करेक्ट है कैन बी मेड टू पर्सन अदर देन द पर्सन एन टू प्रॉपर्टी सेवेंटीन देखेंगे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर फोर क्लेजर बाई अ मोर्गेजी इज ए थर्टी ईयर बी ट्वेल्व ईयर थ्री ईयर डी वन ईयर तो इसका आंसर ए करेक्ट है थर्टी ईयर्स 18 dekhinge. section 11 limitation act 1963 rec recognizes the defense based on a foreign rule of limitation only to which of the following cases option a where the foreign law has extinguished the contract itself contract itself b where the foreign law has extinguished only the remedies. c all of the above d none of the above This answer c all of the above 19 dekhinge. for a suit for possession of immovable property based on title period of limitation is ए ट्वेल्व इयर फ्रॉम द डट ऑफ थ्रेट ऑफ डिस्पोजेशन बी ट्वेल फ्राम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन सी ट्वेल्व इयर फ्रॉ डेट वन पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट बिकम एडवर्स टू देंट एंड डी नन ऑफ दफ आंसर है सी ट्वेल्व ईयर फ्रॉम दट वन पोजेशन ऑफेंडेंट बिकम एडवर्स ट्लेंटिव ट्वेंटी देखते हैं द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट इज ए सिक्सटी डेज बी थर्टी डेज सी एट्टी डेज डी नाइनटी डेज तो इसका आंसर है बी थर्टी डेज ठीक है देखिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं करी है ठीक है है तो इसका आंसर बी थर्टी डेज ट्वेंटी बारेडी बट सी प्रॉपर्टी डी रिकवरी तो राइट लिमिटेशन इन लिमिटेशन एक्ट नॉट बार द हैज इंस्टीट्यूटेड अंडर ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बी इंडियन डिवोर्स एक्ट सी है बी इंडियन डाइवोर्स एक्ट ट्वेंटी थ्री देखेंगे म्यूनिसपल तो काउंसिल रतलाम वर्सेज वर्दीचंद 1980 is a case on dash environmental damage caused by toxic gases, b environment damaging construction work c failure of private enterprises to perform its statutory duties, d failure of a local body to perform its statutory functions. So this cancer d correct a failure of a local body to perform its statutory functions. 24 dekinge. The limitation for filing a suit by a surety against the principal debtor would be three years from the date on which a the amount was paid by the surety to the creditor, b the date of demand by the creditor for payment thereof to the debtor or the surety, whichever is earlier. सी द अमाउंट बिकेम पेबल टू द क्रेडिटर डी द रिफ्यूजल बाय द प्रिंसिपल डाटा टू पे द अमाउंट और नोटिस बिंग बाय द्योरिटी इसका आंसर ए करेक्ट द अमाउंट वॉज पेड बाई द श्योरटी टू द क्रेडिटर ट्वेंटी देखेंगे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन थर्टीन लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री कवर्स द रिजेक्शन एप्लीकेशन ऑर्डर ट्वेंटी ऑफ सी पी सी बी ऑर्डर थर्टी टू रूल फोर ऑफ सी पी सी सी थर्टी रूल टू ऑफ सी पी सी एंड ऑर्डर डी ऑर्डर थर्टी थ्री रूल फाइव ऑफ सी पी तो इसका आंसर डी करेक्ट है ऑर्डर थर्टी थ्री रूल ऑफ फाइव सी पी सी ट्वेंटी सिक्स देखेंगे अफेस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बंपीटेडेडेडेडेड फ्रॉम द टाइम वन द एक्जमेंट वॉज ए साइन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड बी साइड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड सी ओरल एग्रीमेंट आफ्टर एक्सपायरेन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड एंड डी ओरल एग्रीमेंट बिफोर एक्सपायरेन ऑफ प्रिक्राइब पियड इसका आस बी करेक्ट है साइन बिफोर एक्सपायरेन ऑफ ट्वेंटी सेवन देखेंगे पीरियड स्पेंड इन प्रोजीक्यूटिंग द केस बिफोर द कंज्यूमर फोरम कैन बी ए इंक्लूडेड बी एक्सक्लूडेड सी पार्टली एक्सक्लूडेड डी पार्टली इंक्लूडेड इसका आंसर है बी एक्सक्लूडेड so, इसका आंसर बी करेक्ट है ठीक है ट्वेंटी एट देखेंगे वेयर इन एनी केस द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन फ्रॉड और मिस्टेक द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन यूनिट द प्लेंटिव और एप्लीकेट और एप्लीकेंट हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड और द मिस्टेक द स्टेटमेंट इज वन फॉल्स बी ट्रू थर्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन सेवनटीन फोर्थ नॉट प्रोवाइडेड अंडर लिमिटेशन एक्ट चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ओनली वन इज करेक्ट बी वन एंड फोर करेक्ट सी नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट डी टू एंड थ्री तो इसका आंसर है डी टू एंड थ्री करेक्ट है ट्वेंटी नाइन देखेंगे इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील ए द ड ऑन विद जजमेंट प्रोनाउंस शेल भी एक्सक्लूडेड बी द डे ऑन विद जजमेंट प्रोनाउंस शेल भी इंक्लूडेड सी द टाइम टेकन फॉर प्रिपेयरिंग द डिग्री इंक्लूडेड डी द डे ऑन विद जजमेंट प्रोनाउंस एट द टाइम रिक्वज फॉरिंग ऑफ द डिग्री शैल भी एक्सक्लूडेड है डी द डे ऑन विद जजमेंट प्रोनाउंस एट द टाइम रिक्वज फॉरिंग ऑफ दिग्री शैल भी एक्सक्लूडेड थर्टी देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट नाइन थ्री गिव्स रिकॉन्नीशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्सिशन ए ट्वेंटी फोर बी ट्वेंटी टू सी ट्वेंटी सिक्स डी ट्वेंटी सेवन आंसर है डी ट्वेंटी थर्टी वन देखेंगे ए सूट फाइल्ड ऑन दैक्स टू दास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग नॉट बार्ड बाई टाइम A if the plaintiff was unwell and suffering from viral fever on the last date of limitation. B if the court was closed for an half an hour on the last date of limitation. C if the plaintiff was outside India on the last date of limitation. And D if the advocate for the plaintiff forgot to file plaint on the last date of limitation. This answer is correct. If the court was closed for an hour on the date date of on the last date of limitation. Thirty-two. In computing the period of limitation for any suit, once the time has begun to run. A. The number of public holidays and court holidays have to be excluded. B. A suit has to be filed to stop the time for running. C. No subsequent disability or inability to institute a suit stops it. D. A writ petition has to be filed to stop the set time from running. So, this answer is C. No subsequent disability or inability to institute a suit stops it. 33. Dekhenge. What is the period of limitation for filing a suit under Article 113 of the Limitation Act? A. 6 months. B. 3 years. C. 6 years. D. 5 years. है बी थ्री ईयर्स थर्टी फोर दे है टाइम टेकन इन प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड द सेल इन सूट ऑफ पोजेशन बाय परचेजर इन एक्जीक्यूशन इज लाइबल टू बी एक्सक्लूडेड ए अंडर सेक्शन फिफ्टीन सब सेक्शन थ्री बी अंडर सेक्शन फोर सी अंडर सेक्शन टू एंड डी अंडर सेक्शन वन तो इसका आंसर है बी अंडर सेक्शन फोर थर्टी फाइव देखेंगे An erroneous decision refusing to apply Section 12 Limitation Act 1963 can be corrected under which one of the following articles of the Constitution? A. Article 225, B. Article 224, C. Article 226, D. Article 227. This is D. Article 227. 36. Dekhenge? Subsection 2 to 4 of the present Section 12 Limitation Act 1963.

थर्टी एट देखेंगे वॉट विल बी द लिमिटेशन पीरियड फॉर इंस्टीट्यूटिंग सूट फॉर विच नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री ए थ्री ईयर बी टू ईयर सी वन ईयर डी नफ द बर्थ इसका आंसर है ए थ्री ईयर थर्टी नाइन देखेंगे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन नॉ बी एक्सटेंडेड अंडर सेक्शन फाइव ऑफ लिमिटेशन एक्ट इन द फॉलोइंग प्रोसीडिंग

Which of the following is not required for a valid acknowledgement? Option A. Made before the expiration of period of limitation. B. In the handwriting of the person concerned. C. In writing. D. Signed by the person concerned. So, its answer is B. In the handwriting of the person concerned. 41. The period of limitation for setting aside a sale on execution of a decree is? A. 90 degree. 90 days. B. 180 days. C. 60 days. D. 30 days. So, its answer is C. 60 days. सेक्शनबल टू ए एग्जीक्यूशन बी एप्लीकेशन सी अपील डी नॉन ऑफ द तो इसका आंसर है बी एप्लीकेशन फॉर्टी थ्री द लिमिटेशन एक्ट नाइन थ्री इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए जुडिशियल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बी सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सी सिविल इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डी नॉन ऑफ द तो इसका आंसर है ए जुडिशल A judicial wrong which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust. 44 de Grounds of legal disability provided under Section 6 of Limitation Act are A minority, B insanity, C idiosyncrasy, D all of the above. This considered D all of the above. 45 de An application for bringing on record the legal representative of a party has to be filled within A 30 days of the death, B 75 days of the death, C 15 days of the death, and D 90 days of the death. This it's considered D 90 days of the death. आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा और आपको कोई भी कॉल क्वारी है तो टारगेट फॉर आई के नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच